पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार होंग जोंग ने मदारी वाले के मंकी को उसके चंगुल से भगा दिया और खुद भागते हुए एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट के हाउस में जा गिरता है। वही ली एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट की ओर जाने लगता है क्योंकि वहां के एम्परर द्वारा ली को एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया होता है। इसके बाद हम होंग जोंग को देखते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सोर्सिज्म के छत से नीचे गिरता है और तभी एक योद्धा होंग जोंग के पेट को डीमन समझकर उसे मारने की कोशिश करता है। तो होंग जोंग उस योद्धा को बताता है कि वो एक एक्सोर्सिज्म है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद वहां पर दो और योद्धा आते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक योद्धा जिसके हाथ में एक पंखा होता है उसका नाम क्यू योक्सी, दूसरे का नाम यताई और तीसरे का नाम योगन होता है। होंग जोंग एक लेटर देखते हुए कहता है कि मुझे ये लेटर एक्सोर्सिज्म के डिपार्टमेंट से मिला है। वहीं उन तीनों को भी एक्सोर्सिज्म ने लेटर भेजा होता है। वे सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां ली अपने मास्टर फेंग के साथ आ जाता है। दरअसल वो हाउस एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट होता है और ली उसका हेड। लेकिन जब ली की नज़र होंग जोंग पर जाती है तो वो एकदम से गुस्से में आ जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड में होंग जोंग की वजह से ही ली को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ली जब होंग जोंग पर वार करता है तो होंग जोंग ली के वार को रोक लेता है और ऐसे अचानक से वार करते देख सभी एक्सोर्सिज्म के योद्धा ली पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। साथ ही उनके साथ आए उसके मास्टर को भी वो लोग बेहोश कर देते हैं। वहीं होंग जोंग के पेट को ली के पास पड़ा एक लेटर मिलता है जिसे जब वो सभी पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ली उनके डिपार्टमेंट एक्सोर्सिज्म का हेड है। तो ये जानने के बाद वे सभी काफी हैरान होते हैं और साथ ही काफी डर जाते हैं। इसके बाद वे सभी ली को उठाने की कोशिश करते हैं तो होंग जोंग का पेट उनसे कहता है कि इन्हें ऐसे उठाना है और ये कहते हुए अपनी पूंछ से मारने लगता है। ये देखकर वे चारों होंग जोंग के पेट को बहुत मारते हैं। तभी ली को होश भी आ जाता है जिसे देखकर यताई डर जाता है और ली को दोबारा से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वे सभी अपनी गलती को छुपाने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि ली के जागने पर वे सभी उससे कह देंगे कि गर्मी ज्यादा होने के कारण आपको चक्कर आ गया और आप बेहोश हो गए। लेकिन ली जग जाता है और ये सब सुन लेता है। इसके बाद उन सभी को खूब डांटता है। इसके बाद उन सभी को बाहर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि एक्सोर्सिज्म की दोबारा से मरम्मत करनी होगी। इसी बीच उस हाउस का एक दरवाजा ली के ऊपर आकर गिर जाता है। देखते ही देखते दूसरा दरवाजा भी वहीं गिर जाता है। ली वहां और बहुत से मजदूरों को बुलाता है और देखते ही देखते उस हाउस को एक शानदार एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट हाउस में बदल देता है। इसके बाद ये लोग कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म के फाउंडर का आशीर्वाद लेते हुए अपने काम का शुरुआत करते हैं। रात में सभी लोग ली को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ली से पूछते हैं कि हमें क्या करना है। तो ली कहता है कि उस पिछली रात जो डीमन हमें देखा था उसे पकड़ना है। उस डीमन को पकड़ने में सिटी के लोग हमारा साथ नहीं देंगे, इसलिए हमें मेमोरी लॉस का फ्लावर लाना होगा जो ट्रीज हंट में मिल सकता है, जो एक तरह का चोर बाजार है। इसके बाद यताई के साथ बाकी के दो योद्धा मेमोरी लॉस करने वाले फ्लावर लाने के लिए चले जाते हैं और ली अगली सुबह होंग जोंग के साथ चैन शी से मिलने के लिए जाता है जहां पर उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले ही चैन शी की मौत हो गई है और उनका बेटा अभी काफी छोटा है तो इसी कारण होंग जोंग अपना हार्ट लाइट भी उसे नहीं देता है। ये सब बात सुनने के बाद होंग जोंग पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। ये देखकर ली उसे वहाँ से ले जाता है। रास्ते में ली होंग जोंग को बताता है कि चैन शी एक बहुत ही अच्छे कवि के साथ एक अच्छे इंसान भी थे जो अन्याय के खिलाफ अकेले ही खड़े रहते थे, लेकिन कुछ सेल्फिश लोग चैन शी के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया जहां उनकी मौत भी हो गई। ये बात सुनकर होंग जोंग ली को चैन शी का एक पोएम सुनाता है जिसमें एक डीमन का जिक्र होता है। ली जब वो पोएम सुनाता है तो वो होंग जोंग से कहता है कि यदि चैन शी ने अपने पोएम में डीमन का जिक्र किया है तो डीमन हकीकत में होंगे, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। इसके बाद ली होंग जोंग को बताता है कि चैन शी लॉर्ड डी की तरह सोचते थे और डी ने ही बताया था कि चाइना के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आपदा आने वाला है, लेकिन किसी ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। ली होंग जोंग को बताता है कि इस आपदा को अब एक तलवार ही बचा सकती है जिसे पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। वहीं होंग जोंग ली को अपना हार्ट लाइट के बारे में सब कुछ बता देता है तो ली उसे अपना हार्ट लाइट बाहर निकालने के लिए परमिशन दे देता है और जैसे ही होंग जोंग अपना हार्ट लाइट निकालने के लिए जाता है वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो ली को उसका पहला मिशन देकर वहाँ से निकल जाता है। वही एक्सोर्सिज्म के बाकी मेंबर भी आ जाते हैं जो अपने साथ मेमोरी लॉस करने वाले फ्लावर पाउडर भी लाए होते हैं। ये ताई ली को बताता है कि फ्लावर काफी एक्सपेंसिव था, इसके बदले में हमें 3300 सिल्वर कॉइन देना होगा। प्राइस सुनने के बाद ली चौंक जाता है और वो उनसे कहता है कि इसके फंडिंग के लिए हाई कमांड से बात करूंगा। इसके बाद ली सभी को उनके पहले मिशन के बारे में बताता है जिसमें उन्हें किसी व्हाइट किलर बिल्ली को ढूंढना होता है। इस मिशन को जानने के बाद ली काफी गुस्सा होता है तो सभी लोग मिलकर ली को शांत कराते हैं। होंग जोंग छत पर जाकर उस बिल्ली का चित्र बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में उसके पास ली आता है जो होंग जोंग को अपना चित्र दिखाता है, जिसके बाद वे दोनों सिटी में उस बिल्ली को ढूंढने के लिए जाते हैं। सिटी में होंग जोंग को वही बंदर मिलता है जिसे होंग जोंग ने छुड़ाया था। वो बंदर उन दोनों को उस बिल्ली के पास लेकर जाता है।
उस बिल्ली के पास जाने के बाद ली जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो बिल्ली वहां से भाग जाती है और भागते हुए बिल्ली ब्यूटी हाउस में चली जाती है। बिल्ली का पीछा करते हुए ली होंग जोंग भी वहां पहुंच जाते हैं और बिल्ली को पकड़ लेते हैं। तभी वहां किसी के आने का एहसास होता है तो वे दोनों छुप जाते हैं और एक दूसरे का मुंह दबा लेते हैं ताकि कोई आवाज न कर सके। थोड़ी देर में वहां पर आर्मी का कमांडर जनरल आता है, उसके साथ में एक लेडी भी होती है। तभी ली पास में एक डेड बॉडी को देखता है। जनरल के चले जाने के बाद ली और होंग जोंग एक्सोरसिज्म हाउस वापस चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वे सभी उस डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं होंग जोंग कहता है कि बॉडी में से स्मेल नहीं आ रही थी, इसका मतलब उसे कुछ समय पहले ही मारा गया होगा और उसकी बॉडी सूखने की वजह लगता है जैसे कोई डीमन उसके बॉडी में से सारा खून पी लिया हो। ये लोग आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो बिल्ली होंग जोंग के पेट को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगती है, जिससे मेमोरी लॉस पाउडर चारों तरफ फैल जाती है। इससे उन सभी की याददाश्त जल्दी जाती है, लेकिन फ्लावर पाउडर का असर खत्म होने के बाद वो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। वही दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो ब्यूटी हाउस में एक आवाज का पीछा करते हुए जा रही होती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक डीमन का होता है। उस डीमन के हाथ में होंग जोंग का हथियार होता है। वो डीमन उस लेडी को मारकर उसका खून पी जाती है। वही वो मॉन्स्टर भी होता है जिसके साथ होंग जोंग की फाइट हुई होती है। वो लेडी डीमन होंग जोंग को हथियार दिखाते हुए उसे कहती है कि इसके मालिक को ढूंढो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग हॉट एयर बलून को हवा में उड़ा रहे होते हैं। वहीं एक लड़की के शैडो में हमें डीमन दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि बढ़ते समय के साथ डीमन की संख्या भी बढ़ रही होती है। वहीं ब्यूटी हाउस भी डीमन का पसेरा बन चुका होता है। ली अपने साथियों के साथ ब्यूटी हाउस के बाहर ये प्लान बना रहा होता है कि किसी तरह हमें ब्यूटी हाउस के अंदर जाकर डीमन का पता लगाना है। इसके बाद वे सभी ब्यूटी हाउस के अंदर जाते हैं जहां पर वे सभी लोगों को शराब के नशे में फुल देखते हैं। तो यताई अपने सितार को बजाने लगता है। यताई के सितार का धुन सुनते ही सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। वही बाकी में एक्सोरसिज्म मेंबर अपने कान को बंद करके डेड बॉडी को ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें एक डेड बॉडी मिल जाता है। तो वे सभी उस डेड बॉडी को सभी के सामने लटकाकर यताई को म्यूजिक बंद करने को कहते हैं। यताई जैसे ही अपनी म्यूजिक बंद करता है, सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं और उस डेड बॉडी को देखकर वहां से भागने लगते हैं। उन लोगों का ये प्लान होता है कि जो भी लोग उस डेड बॉडी को देखकर वहां से भाग जाएंगे, वे आम इंसान होंगे और जो उस डेड बॉडी को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो ही डीमन होंगे। और उनके प्लान के मुताबिक तीन लेडी ठीक डीमन की तरह ही रिएक्ट करती है, जिसके बाद होंग जोंग तुरंत अपने ब्लेड से उन तीनों पर वार कर देता है। ब्लेड लगने के बाद भी वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं। तो वीगन एक लेडी को अपने तीर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें इतना पावर होता है कि वह लड़की वहीं पर मर जाती है। इसके बाद उस लड़की का असली रूप दिखाई देता है जो असल में एक लोमड़ी होती है। होंग जोंग अपने ब्लेड की मदद से उन बाकी के दो लड़कियों को ट्रैक कर लेता है, जिसके बाद वे सभी उनकी तलाश में निकल जाते हैं। वहीं होंग जोंग का पेट मेमोरी लॉस पाउडर बिखेर देता है, जिससे सभी की याददाश्त चली जाती है। उधर यताई और यांग स्यांग एक डीमन का पीछा कर रहे होते हैं, तभी वो डीमन उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। इसके बाद यताई अपने हाथ के पंखे की मदद से वो एक टोर्नेडो बना देता है, जिसमें वो डीमन फंस जाती है। लेकिन तभी यताई के पीछे से डीमन उस पर हमला कर देती है। इस बीच वो दोनों यताई को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती हैं। वहीं बाकी के तीन मेंबर भी डीमन का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं वीगन अपने नाइट विजन की मदद से डीमन को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे ली की तलवार शाइन होते दिखाई देती है, जिसके ली अपने तलवार से उन डीमन को ट्रैक कर लेता है और डीमन को वे लोग घेर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही ली उस पर वॉर करने जाता है, वो डीमन अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आसमान में जाकर अपने आप को तीन हिस्सों में बांट देती है और तीन अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। वहीं थोड़ी ही देर में कुछ सोल्जर भी आ जाते हैं जो डीमन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे उन डीमन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। तो ये देखते हुए वहाँ पर ली आ जाता है और उन डीमन से फाइट करने लगता है। वो डीमन काफी शक्तिशाली होती है, जिसके सामने ली और यताई भी वीक दिखाई देने लगती है। वो डीमन उन दोनों को खाने ही वाली होती है कि तभी वीगन एक बहुत ही विशालकाय फॉक्स में बदल जाता है और उन्हें बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर होंग जोंग अपने शक्तियों से उस डीमन को एक नॉर्मल फॉक्स में बदल देता है और वीगन उसे मार देता है। मरते समय वो डीमन उन्हें बताती है कि जल्द ही यंगयान सिटी पर डीमन का राज होगा और ये कहते हुए वो डीमन मर जाती है। इधर यताई और ली उन्हें एक सिग्नल देते हैं। सिग्नल को देखकर वीगन और होंग जोंग उनकी तरफ चल देते हैं। रास्ते में होंग जोंग वीगन से पूछता है कि क्या तुम एक डीमन हो? तो वीगन उससे कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या हूँ, मुझे आज ही पता चला कि मैं फॉक्स में बदल सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यताई और यांग सी को देखते हैं, जिन्हें तीसरी डीमन मिल जाती है जो सिंह क्यू महल के अंदर जा रही होती है। अब हम सभी एक्सोरसिज्म के मेंबर को देखते हैं जो तीसरे डीमन को पकड़ने के लिए सिंह क्यू महल आ गए होते हैं। यहाँ पर ली सभी से कहता है कि लगता है कि वो डीमन किसी से मदद लेने के लिए आई है, इसका मतलब यहाँ पर कोई इस महल से उस डीमन की मदद कर रहा है।
बाहुबली की तलवार बहुत कम ग्लो कर रही होती है, जिसके कारण वो अपनी तलवार से उस डीमन को ट्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन तभी ली को उस डीमन के शरीर से लगी होंग जूंग की ब्लेड की आवाज़ सुनाई देती है, जो अभी भी उस डीमन के बॉडी में लगा होता है। ली विगन का तीर और धनुष लेकर उस ब्लड के साउंड को फॉलो करते हुए उस डीमन पर तीर चला देता है, जो सीधा जाकर उस डीमन को लग जाता है और वे लोग उस डीमन को पकड़ लेते हैं। ली उस डीमन से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उन्हें कुछ नहीं बताती, तो ली उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसे आर्मी के जनरल को दे देता है। इसके बाद हम उस लेडी डीमन को देखते हैं जिसके पास होंग जून का ब्लड होता है, और वो फी हो उसे कहती है कि जाकर उस कैद डीमन को मार दो। वहीं ली और होंग जून उस सफेद बिल्ली को उसके मालिक के घर पर देते हैं। वहीं ली उस घर के नौकर से पूछता है कि आखिर ये बिल्ली यहाँ से भागी क्यों थी, तो वो नौकर ली को बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ एक लेडी गुओ और किंग यांग आए थे, जिन्हें देखकर ये बिल्ली कुछ अजीब हरकतें करने लगी और यहाँ से भाग गई। ये बात सुनकर ली और होंग जून समझ जाते हैं कि डीमन किंग हमारे राजा के दरबार में ही है और इससे हमारे किंग की जान खतरे में है। वहीं हम रात का सीन देखते हैं जहां वो कैद डीमन जनरल को अपनी बातों में उलझाकर बाहर निकल जाती है और जनरल को बेहोश कर देती है। इसके बाद वहां से जाने लगती है, तभी वहां फीहाओ आ जाता है, जिसे देखकर वो डीमन डर जाती है, और क्योंकि उसे लगता है कि फीहाओ उसे मार देगा, लेकिन फीहाओ उसे कहता है कि जब मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई मार नहीं सकता। दरअसल फीहाओ और वो डीमन एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर फीहाओ कहता है कि तुम्हारा ये हाल जिसने भी किया है मैं उसे बुरी मौत दूंगा। वहीं एक्सोर्सिज्म की टीम कमांडर के हाउस पर कड़ी नजर रखे होते हैं, और जैसे ही वे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, वीगन अपने तीर से उन पर हमला कर देता है, जिससे वो लेडी डीमन मर जाती है। इस पर फीहाओ काफी गुस्सा होता है और उन पर हमला कर देता है। सभी लोग मिलकर फीहाओ का सामना करते हैं। इसी बीच फीहाओ एक टोर्नाडो बनता है और अपने लवर डीमन का बॉडी लेकर डाइनिंग पैलेस आ जाता है। फीहाओ का पीछा करते हुए एक्सोर्सिज्म की पूरी टीम आ जाती है, जो राजा के आज्ञा के बिना ही सभी लोग पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि फीहाओ उस डीमन की मौत से काफी दुखी है और उन पर गुस्सा भी है। फीहाओ जब उन्हें वहाँ पर देखता है तो उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाता है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग फीहाओ को पकड़ लेते हैं। इधर फाइट की आवाज़ सुनकर पैलेस के सैनिक आ जाते हैं और बिना आज्ञा के अंदर घुसने के जुर्म में वो उन्हें घेर लेते हैं। तभी फीहाओ इस मौके का फायदा उठाता है और अपने पावर की मदद से सभी सैनिकों को डीमन में बदल देता है। अब इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस